दोस्तों नसीम साहब पाकिस्तान से एशिया कप 2023 से बाहर हो गए। पाकिस्तान को ये बड़ा झटका लगा है। अहम मुकाबले से पहले नसीम शाह एशिया कप से बाहर हो चुके हैं। एशिया कप 2023 में स्ट्रगल करती नजर आ रही पाकिस्तान की टीम को एक और झटका लगा है। श्रीलंका खिलाफ अहम मुकाबले से पहले पाकिस्तान टीम के स्टार गेंदबाज नसीम शाह टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं। नसीम चोट के कारण एशिया कप से बाहर हुए हैं। बता दें कि नसीम शाह ने एशिया कप में अपना पिछला मैच भारतीय टीम के खिलाफ खेला था। उस मुकाबले में उन्होंने 9.2 ओवर की गेंदबाजी की थी और 53 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया था। इसी मैच में फील्डिंग के दौरान नसीम के बाएं कंधे पर चोट लगी थी। नसीम शाह की जगह जमान खान को टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों एशिया कप 2023 में भारतीय टीम ने पहले ही फाइनल में एंट्री कर ली है, जबकि पाकिस्तान की टीम को सुपर फोर में अपना आखिरी और निर्णायक मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ 14 सितंबर को कोलंबो में खेलना है। यह मैच जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी, जहां भारतीय टीम से टक्कर होगी वहां पे उनकी। ऐसे में इस अहम मुकाबले से पहले नसीम शाह का चोटिल होकर बाहर होना पाकिस्तान टीम के लिए एक बड़ा झटका है। दूसरी ओर पाकिस्तान टीम के दूसरे स्टार गेंदबाज हैरिस रॉफ भी चोटिल हैं। वो भी भारत के खिलाफ मैच में चोटिल हुए थे। हैरिस के चोट के कारण शायद वो भी ये मैच नहीं खेलेंगे, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेडिकल टीम ने कहा है कि हैरिस अभी बिल्कुल ठीक है, वो बेहतर रिकवर कर रहे हैं, श्रीलंका के खिलाफ मैच खेल सकते हैं। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है, जो पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंसमेंट करी है, उसमें हैरिस रॉफ नहीं खेल रहे। तो पाकिस्तान ने उसमें बहुत सारे चेंजेस करे हैं। हैरिस रॉफ नहीं खेल रहे, नसीम शाह नहीं खेल रहे, फकर जमान तक नहीं खेल रहे। तो बहुत चेंजेस हुए हैं इस मैच के लिए। जो प्लेइंग 11 अनाउंसमेंट करी है उसमें तो बहुत ज्यादा चेंजेस, देखते हैं इस बार प्लेइंग 11 के चेंजेस करने के बाद श्रीलंका के साथ जो मैच होता है उसमें पाकिस्तान का क्या रहता है। पाकिस्तान को किसी भी हालत में ये मैच जीतना पड़ेगा। अगर मैच किसी तरह बारिश की वजह से नहीं हो पाया तो वो भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल की बात होगी, क्योंकि नेट रन रेट श्रीलंका का पाकिस्तान से काफी बेहतर है। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैच नहीं होता है तो श्रीलंका आप डायरेक्ट ही फाइनल में पहुंच जाएगी और भारत से मुकाबला लड़ेगी। तो इसीलिए ना पाकिस्तान के लिए ये मैच होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान के लिए बहुत चीजें फेवर में नहीं हुई है 2023 के एशिया कप में। पहले मैच को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान के चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, इसीलिए वो ज़्यादा केयर कर रहे हैं, क्योंकि अगले जो वर्ल्ड कप है सबसे मेन इवेंट है। इसी वजह से पाकिस्तान अपने बॉलर्स को सब बैक कर रही है, इसलिए उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही मैच खेलने के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में कौन सी टीम बाजी मार के भारत के साथ फाइनल के मुकाबले में भिड़ेगी? अपनी अपनी राय में कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।